नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज बुधवार 12 जनवरी। सबसे पहले कल के सेशन की अगर हम बात करें तो कल के सेशन में M6 बुलडेक्स के अंदर हमने आधे परसेंट की तेजी बनते हुए देखी है। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में हमने देखा 96 के नीचे कंटिन्यू प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया और 95-60 के करीब डॉलर इंडेक्स जाता हुआ दिखाई दिया। फेड चेयरमैन पावेल की जो स्पीच थी, यहाँ पे नॉमिनेशन हियरिंग के साथ साथ हम सबसे इम्पोर्टेंट था कि हॉकिश टोन रहेगा या डॉविश टोन रहेगा। कहीं ना कहीं देखिए, इंटरेस्ट रेट हाइक की बातें जरूर हो रही है, बट साथ में इन्फ्लेशन कंसर्न और जो बॉन्ड सेलिंग की बातें आ रही है, यहाँ पे हमने देखा काफी हद तक एक डॉविश टोन दिखाई दिया, जिसके चलते कल हमने M6 पे सोना चांदी और M6 बुलडेक्स में तो तेजी देखी, बट डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यू गिरावट आती हुई देखी है। बट कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक की भी अगर हम बात करें तो यहाँ से जो एक अपडेट आता हुआ दिखाई दिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो US, यूरोप और चाइना में रहेगी वो कहीं ना कहीं कंसर्न है, बिकॉज हाई लेवल ऑफ डेट कंटिन्यू मार्केट में बिल्टअप होते जा रहा है बिकॉज ऑफ कोविड कंसर्न। ये कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा और इसी के चलते हमने गोल्ड में और M6 बुलडेक्स में अच्छी तेजी देखी। एक चीज और है, पिछले साल तक हमने देखा जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक की बात होती थी तुरंत रूप से हम नेगेटिव असर M6 बुलडेक्स और सोने चांदी में देखते थे, बट अब तीन इंटरेस्ट रेट हाइक के बावजूद अगर सोने चांदी में गिरावट नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्रोथ को लेके कंसर्न अभी भी मार्केट में बने हुए हैं। तो आज के लिए M6 बुलडेक्स लेके चलिए, 14,000 के ऊपर अगर प्राइस निकल जाता तो 14,100 तक के टारगेट मिल सकते हैं। वहीं सोने और चांदी में दोनों में हमने शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखी जो आज कंटिन्यू रहेगी। 47,950 के टारगेट के लिए गोल्ड लेके चलिए, 61,500 का लेवल तोड़ने पे 61,850 के टारगेट के लिए चांदी लेके चलिए। क्रूड के अंदर भी हमने देखा कि ऑर्निकॉन का कंसर्न कहीं पे भी हिट नहीं हो पा रहा है। जो उम्मीदें जगाई जा रही थी कि लीबिया और कजाकिस्तान के जो प्रोडक्शन हॉल्ट हुए हैं ये वापस मार्केट में आ जाएंगे, बट तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, जिसके चलते क्रूड भी कल 3.5% से ज्यादा की तेजी के साथ 6,000 का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया है। कहीं ना कहीं टेक्निकली ओवरबॉट जरूर है, बट अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, जो 6150 तक का लेवल क्रूड में देखने मिल जाएगा। नेचुरल गैस के अंदर ध्यान रखिए, मेक और ब्रेक सिचुएशन है। अगर आज 310 के ऊपर प्राइसेस होल्ड करता है तो 325 से 330 तक का भी एक बड़ा जंप दिखा सकता है। पूरे बेस मेटल पैक के अंदर हमने फ्रेश बाइंग और शॉर्ट कवरिंग होते हुए देखा, जिस दिन से डॉलर में गिरावट है और साथ में कुछ प्रोडक्शंस हमने चाइना में, यूरोपियन नेशंस में कट होते हुए देखा है और इन्वेंट्रीज में तो हमने पहले ही टाइटल देखी है, जिसके चलते पूरे बेस मेटल के प्राइसेस में एक अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। आज भी अगर एल्यूमिनियम पे हम बात करें तो कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम साइडवे टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पुलबैक मिलता है तो बिल्कुल लेके चलना है, हमें कहीं ना कहीं बड़ा जंप पूरे बेस मेटल पैक पे बनता हुआ दिखाई देगा। सोने में भी हमने देखा कि प्राइजेस 1800 के ऊपर अच्छे से निकल चुका है, कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर आगे जाके 1820 से लेकर 1826 तक के भी लेवल देख सकते हैं हम लोग। तो ओवरऑल आज के सेशन में कमोडिटी मार्केट तेजी के रूप में ही रहेगा। वहीं अगर हम डेटा पॉइंट की बात करें तो यूरो जोन से हम जर्मन WPI के आंकड़े खराब आते हुए देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े खराब आते हुए देख रहे हैं, वहीं US से CPI के आंकड़े भी खराब आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। क्रूड की इन्वेंट्री है जो -2.1 मिलियन बैरल दिखा रही है, जिसके चलते भी क्रूड को एक सपोर्ट दिन के सेशन में कंटिन्यू रहेगा। चार्ट के लिए M6 बुलडेक्स को लेकर चलिए, 14,100 से लेकर 14,140 के टारगेट के लिए। गोल्ड को लेकर चलिए, 47,950 के टारगेट के लिए। क्रूड को लेकर चलिए, 6,040 से लेकर 6100 के टारगेट के लिए। निकल में एक ब्रेकआउट है जो 1640 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल आज के सेशन में सोना चांदी क्रूड कॉपर जिंक निकल लेड एल्यूमिनियम सभी में तेजी का रुख रहेगा। डॉलर की गिरावट के चलते हमने ये तेजी आती हुई देखी और साथ में हम देख रहे हैं कि सप्लाई साइड कंसर्न्स बने हुए जो बेस मेटल को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।